लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की खासतौर पर अगर मैं जिक्र करूँ, हम लोग की पार्टी कैडर में उत्साह है, जिस तरीके से हम लोग का प्रदर्शन रहा, 100% स्ट्राइक रेट वाली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रही है, और हम लोग चाहते हैं कि यही स्ट्राइक रेट डिफिकल्ट है बट मैनेज किया जा सकता है। अगर T20 वर्ल्ड कप आ सकता है तो नॉर्मल वनडे वाला भी वर्ल्ड कप हम लोग लेकर आएंगे, तो ऐसे में विधानसभा में भी हम लोग का प्रदर्शन अच्छा रहे। सीटें किसकी कितनी होगी, किसकी क्या संख्या होगी, ये तमाम गठबंधन के भीतर अभी होने वाली चर्चाएं, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विपक्ष वापस से ये सब शुरू करेगा कि अरे सीटों का बंटवारा नहीं होगा। लोकसभा में भी इन्होंने, कि आप सब ने देखा कितने एमिकेबली हम लोगों ने सीटों का बंटवारा पांचों दल ने मिलकर कर लिया, मुझे लगता है उतने ही एमिकेबली हम लोग विधानसभा में भी करेंगे, और जितनी लड़ेंगे उतनी जीत जाएगी। तैयारी तो होगी, डिमांड तो होगी डेफिनेटली डिमांड है बट वो यहाँ है अभी, मुझे लगता है गठबंधन के भीतर चर्चा करने से पहले अगर सार्वजनिक मंच पे इसकी चर्चा करूँ तो गठबंधन की मर्यादा के खिलाफ होगा। एनडीए में जेडीयू द्वारा मांग बार बार बिहार के स्पेशल स्टेटस की हो रही है, आप भी इसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि मिलना चाहिए, बीजेपी को इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, प्रधानमंत्री थोड़ा सोचे और बिहार को स्पेशल स्टेटस दे, क्योंकि ये मांग मुख्य तौर पर जेडीयू की है। नहीं बिल्कुल, देखिए हम लोग भी इस बात का समर्थन करते हैं बट वी नीड टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रावधान है, किस दायरे के तहत आपको ये स्पेशल स्टेटस आपको मिल सकता है, विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है नहीं। मैंने हमेशा कहा कि नीति आयोग में अभी कई प्रावधानों को रिविजिट करने की ज़रूरत है अगर हम लोग ये चाहते हैं। ऐसे में फिलहाल मुझे लगता है जो इमीडिएटली हम लोग अचीव कर सकते हैं उस पर हम लोग को फोकस करना चाहिए। स्पेशल पैकेजेस की हम लोग को डिमांड करनी चाहिए, सेक्टर स्पेसिफिक पैकेजेस की हम लोग को डिमांड करनी चाहिए, जो हम लोग कर भी रहे हैं और आने वाले इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम लोग और मजबूती से हम लोग इसको रखेंगे भी, ताकि उससे सिर्फ स्पेशल स्टेटस की मांग करते 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 रहने से हम लोग सिर्फ समय बीतता जा रहा है। ऐसे में तुरंत लाभ के लिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और ये सबसे सुनहरा मौका है, मैं मानता हूँ बिहार की सबसे बड़ी विडंबना रही है कि हमेशा विरोधाभास की सरकारें बिहार में, बिहार ने देखी हैं, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो बिहार में एनडीए की सरकार थी, जब केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई, तो लगभग 27-28 साल ऐसे महत्वपूर्ण रहे जहाँ पर सिर्फ विरोधाभास की सरकारें रही, ना केंद्र ने राज्य की मदद की, ना राज्य को केंद्र की नीतियों का लाभ हो पाया। ऐसे में आज डबल इंजन की सरकार है, मुझे लगता है वी शुड मेक द बेस्ट ऑफ इट और एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम लोग को बढ़ना चाहिए, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को डिमांड करने चाहिए, हम लोग कर भी रहे और उसका लाभ तुरंत तत्काल प्रभाव से जनता को मिले। शराबबंदी का आप खुलकर विरोध करते आए हैं, हमने देखा है, इस बार भी क्या आपका स्टैंड वही है, उसी स्टैंड पर आप? नहीं, मैंने विरोध कभी नहीं किया शराबबंदी का, मैं पक्षधर रहा हूँ शराबबंदी का, बट साथ ही में मैंने हमेशा इस बात की बात कही कि चीज़ों को कानून बनाकर सीधा इम्प्लीमेंट कर देने से नहीं होगा, आपको अवेयरनेस भी क्रिएट करनी होगी। हम लोग को ये समझना होगा, मानना होगा कि कुछ लोग अल्कोहलिक होते हैं, पीरियड, बात खत्म, वो हैं भाई, वो आदि हैं, उनको लत लगी हुई है, उनके रिहैब की क्या क्या व्यवस्था है, ऐसे लोग जो कि संभवतः अल्कोहलिक हो सकते हैं उनकी अवेयरनेस हम लोग को उनको करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई इसके क्या क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं, उदाहरण उनके सामने रखने चाहिए कि जिंदगियां कैसे बर्बाद होती हैं नशे की लत को लेकर। तो ऐसे में अवेयरनेस ड्राइव का मैं ज़्यादा पक्ष दे रहा हूँ, इवन जनसंख्या में भी अवेयरनेस के माध्यम से, कल को हम सीधा कानून ले आए कि भाई एक बच्चे से ज़्यादा तुम पैदा ही नहीं कर सकते, कतई नहीं, वो नहीं होगा, बट लोगों को आपको जागरूक करना होगा कि भाई छोटा परिवार सुखी परिवार क्यों, कहने के लिए ही नहीं, कैसे हो सकता है ये सारी चीज़ें, एंड खास तौर पर रूरल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अनएजुकेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनमें इन तमाम बातों को लेकर जागरूकता ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और एक सवाल मेरा ये भी होगा, आप खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते जैसा इंट्रो में इन्होंने बोला था, ये रिश्ता, ये संबंध आखिर कब इतना मजबूत हो गया? मुझे भी नहीं पता चला कि कब इतना मजबूत हो गया। आई थिंक मेरे प्रधानमंत्री जी और मेरी, हम दोनों की एक लाइकनेस टूवर्ड्स ईच अदर शुरू से रही है। जब हम लोग की पार्टी और मेरे नेता पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी यूपीए में भी थे, मैं तब भी आई वॉज ऑलवेज प्रो मोदी, एंड उस वक्त भी मैं ये प्रयास में ही कर रहा था कि हम लोग का अलायंस एनडीए के साथ होना चाहिए। उस वक्त एक मेजर रेजिस्टेंस पापा की भी तरफ से था, मेरी पार्टी की भी तरफ से था, लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग एनडीए का हिस्सा बने, मैं 2013 के आसपास की बात कर रहा हूँ, बट 2014 में फिर फाइनली बींग द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री बोर्ड मैंने फैसला लिया कि हम लोग को एनडीए के साथ हम लोग को जाना चाहिए। प्रधानमंत्री, उस वक्त भी मैं प्रधानमंत्री जी की नीतियों से, उनके भाषणों से, उनकी सोच से मैं काफ़ी प्रभावित था,
और मुझे लगता है मेरे प्रधानमंत्री इस बात से प्रभावित थे कि जो असंभव था रामविलास पासवान जी को इस तरफ लेकर आना, वो मैंने कर दिखाया था, तो मुझे लगता है शायद वो उस बात से प्रभावित थे। बट आई थिंक ओवर द ईयर्स ये डेवलप हुआ, और खासतौर पर रिश्ता और ज़्यादा गहराया तब जब मेरे पिता बीमार थे, वो अस्पताल में थे। और सोचिए, देश का प्रधानमंत्री दिन में दो दो बार अगर आपको फ़ोन करता है, आपकी हिम्मत कितनी बढ़ती है, परिवार की हिम्मत कितनी बढ़ती है कि देश का प्रधानमंत्री इस कठिन समय में आपके साथ है। सो आई थिंक ओवर द ईयर्स ये रिश्ता और ज़्यादा गहरा हुआ, मजबूत हुआ। अच्छा, अगर बिहार की बात करें, 2024 के बाद 25 में अब विधानसभा चुनाव होगा, वहाँ एनडीए अगर जीत दर्ज करती है तो आपकी पार्टी की LJPR की क्या मुख्य तौर पर भूमिका हो सकती है? हमारी भूमिका वही जिस विजन का मैंने जिक्र किया, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने के लिए हम लोग को एक मजबूत प्लेटफॉर्म हम लोग को मिलेगा, और सरकार विकास की योजनाओं को और गरीब कल्याण की योजनाओं को मजबूती से धरातल पर उतारे, उसके लिए पूरी ईमानदार भूमिका में हम लोग रहेंगे। मुख्यमंत्री चेहरा कौन? ये सारी चीज़ें अभी चर्चा का विषय ही नहीं है। वील मतलब अभी तो सरकार, अभी तो चुनाव हुए नहीं, सरकार आई नहीं कि पहले ही सब पद बंटने लग जाए। जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद बिहार में फिलहाल बिल्कुल खाली नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, उन्हीं के चेहरे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। बट हाँ, सरकार में एक सहयोगी की भूमिका में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जरूर रहेगी, एक मजबूत सहयोगी की भूमिका निभाएगी। चाचा के पास कुछ गुंजाइश है, उनकी तरफ से दरवाजा खटखटाया जा रहा है क्या? कभी संबंध बेहतर हो सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। अब गंगा से बहुत पानी बह चुका है, मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, वो मुझसे बहुत दूर जा चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं ज्यादा गुंजाइश। कभी मिलन नहीं हो सकता इन दो नदियों का? कैन नेवर से नेवर, बट हाँ, राजनीतिक दृष्टि से आप बोलें कतई नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने एनडीए में रहकर भीतरघात करने का काम किया, ऐसे में एनडीए का वो हिस्सा कभी नहीं हो सकते हैं। व्यक्तिगत रिश्तों पे मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जिस परिवार से आता हूँ ये बिहारी हैं, जानती है हमारे यहाँ बिहार के बड़े ही, परिवार के बड़े ही ये सब फैसला लेते हैं, तो ऐसे में मेरे भी परिवार के बड़ों को ही ये फैसला लेना है, पर अभी फिलहाल इस पे कोई। जब उस क्षण को आप याद करते हैं, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, घर के बाहर आप लगातार हॉर्न बजा रहे थे, 40 मिनट तक आपने इंतजार किया, आपकी पार्टी आपसे छिन गई, परिवार में कहीं ना कहीं फूट पड़ गई, इसके अलावा पिता भी चले गए थे उस वक्त, लेकिन आज जब समय बदला है, इस समय को जब आप देखते हैं और कंपेयर करते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? आज पार्टी भी है, आज पार्टी में कद भी ऊंचा है, देश में आप एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर आपकी पहचान है, सब कुछ एक अलग हो गया, कैसे आप देखते हैं इसे? मुझे बस खुशी इस बात की होती है कि उस रात मैंने वादा किया था मेरी माँ से, जिस रात पार्टी, परिवार, ये सब टूटा था, बिखरा था, आपने अपनी माँ को हक किया था और भरोसा दिया था, उनके रूम में गया था, शी वॉज क्राइंग, वो दुखी थी, अपसेट थी, मैं गया, मैंने उनको हक किया और मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं पता कैसे, बट मैं आपसे वादा करता हूँ, बस मुझे थोड़ा समय देना, एक एक चीज़ जो आपने खोई है मैं आपको सब वापस लौटा कर दूंगा। कट्टू, जिस दिन मैंने शपथ ली उस रात वो मेरे रूम में आई, उन्होंने मुझे हक किया और उन्होंने मुझे कहा कि तूने अपना हर वादा पूरा कर दिया। सो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं। और इसी से जुड़ा एक मेरा सवाल ये भी होगा, क्योंकि देखिए, अगर लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, आखिरी सवाल होगा मेरा ये, लोकसभा चुनाव के पहले चिराग पासवान सियासी फ्रेम से काफ़ी दूर थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से पार्टी की मजबूती और चिराग पासवान ने जिस तरीके से, अगर कमबैक कहें गलत नहीं होगा, वो किया है, उसकी चर्चाएं हर तरफ हो रही है। साथ ही साथ आपकी जीत के बाद चर्चा इस बात की भी हो रही है कि आखिर चिराग पासवान शादी कब करेंगे। अच्छा अच्छा, सोशल मीडिया पे हैशटैग नेशनल क्रश चल रहा है, काफी वायरल, नेशनल क्रश, ये आप बात जानते हैं? सोशल मीडिया पे मैं भी हूँ, तो जानता ही हूँ। आपने ये कहा कि मैं भी बिहारी हूँ, आपने भी कहा कि हर फैसले जो है बड़े लेते हैं फैमिली के, तो क्या इस डिसीजन में आपका फैसला होगा या आपकी फैमिली का होगा? किसी का फैसला नहीं होगा, क्योंकि इस डिसीजन पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। अभी मेरी प्राथमिकताएं बहुत अलग हैं, अभी आगे विधानसभा के चुनाव हैं, अगर मैं व्यक्तिगत जीवन में ही उलझ के रह गया, कई जीवन होते ही नहीं हैं व्यक्तिगत समर्पण के लिए, वो होते ही सार्वजनिक समर्पण के लिए, और मुझे लगता है मेरा जीवन उनमें से है, जहां मेरा पूरा जीवन बिहार, बिहारियों के लिए, देश की भी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने दी है, तो वो भी गलत होगा अगर मैं उनको संबोधित ना करूं, एज अ कैबिनेट मिनिस्टर देशवासियों के प्रति भी है वो जिम्मेदारी। बट हाँ, जो भी है वो सब सिर्फ और सिर्फ देश के लिए है, व्यक्तिगत अप्राथमिकताएँ नहीं रही हैं।